YouTube में जाकर सिटी न्यूज कलामों को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मलेरिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए डाल्टनगंज शहर से सटे सूतना स्थित दिव्यांग आवासीय विद्यालय में CSC व अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की स्थानीय इकाई द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क दवाई मच्छरदानियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि BRO पूर्व निदेशक भोला शंकर पांडे के अलावा प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर आनंद डॉक्टर विनीत सुश्री तदासा सहित BPM और समूचा स्कूली परिवार उपस्थित रहा। इस अवसर पर लगभग 2 दर्जन बच्चों के बीच मच्छरदानी बांटे गए। साथ ही आयोजित स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को जरूरी परामर्श दिया। इसके अलावा अपने संबोधन में वक्ताओं ने स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को सफाई के प्रति सजग रहने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मौके पर वक्ताओं ने मच्छरदानी का प्रयोग नियमित रूप से करने की सलाह देते हुए कहा कि मच्छररोधी उपायों में सर्वोत्तम है परंपरागत मच्छरदानी का प्रयोग करना। इससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। समूचे कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक ब्रजेश कुमार शुक्ल ने की, जबकि संचालन स्कूल प्रचार रमेश कुमार मिस्त्री ने किया। करने के बाद भी वो बच्ची बच नहीं पाए, तो एक बहुत ही वाइटल चीज है और इसको लोग को यूज करना चाहिए। और स्पेशली मीडिया बंधु से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना इस जागरूकता में खासकर ऐसे बच्चों को जो नीड है, जो आप स्टेशन पर देखते होंगे लोग सो जाते हैं अभाव में, उनको जागरूक करना है। और जागरूक के लिए मीडिया से कोई अच्छा माध्यम नहीं हो सकता, इसलिए मेरा तमाम मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि असहाय बच्चों का जितना जागरूकता समाज में फैलाई जाए, ताकि समाज में लोग आकर उनकी सहायता में जुट जाए। ये एक्चुअल सहायता इनका ही नहीं है, ये आप देश की सहायता कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा जो उतना ही जरूरी है जितना और लोगों की सुरक्षा। इनके पास साधन की कमी है, इसलिए हम तमाम लोग का दायित्व तो है कि इनको मदद की जाए। इसके अलावा के पुरुष संघों द्वारा लामू जिला आवासीय दिव्यांग विद्यालय में मुस्कानी कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि सदर प्रखंड के डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर विनीत सर, BPM मैडम, राजुद्दीन सर, इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। और इतनी व्यस्त शेड्यूल के बाद भी हमारे बीच इन बच्चों को आकर मुस्कान वितरित किए। ये सरकार की ओर से जो प्रावधान है, इसमें लोगों को जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, मच्छरदानी लगाएं, क्योंकि जो भी आज की बीमारी फैल रही है, मलेरिया है, डेंगू है, यह मच्छर काटने से होता है। तो यह हम लोग को इसी जागरूकता के तहत बच्चों को बताना है कि आप मच्छरदानी लगा के सोएं, मच्छर से बचें और हमेशा ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद। सर, आज कितने मच्छरदानी का वितरण होने वाला है? आज अभी जो है यहाँ पर करीब 20 से 25 बच्चे हैं, उनका मैदान का वितरण किया जा रहा है, लेकिन अभी ऑन रोल जो है 50 बच्चे हैं। तो मैडम ने बताया, BPM मैडम, कि आने वाला समय में और भी आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप लिस्ट हमें प्रोवाइड करेंगे।